हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। दोस्तों, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है और सबसे मस्त ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप एक ही बार में बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होने वाले रोगों को आसानी से लर्न कर सकते हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले सस्पेंस रहता है कि बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है। बैक्टीरिया को हम हिंदी बोलते हैं जीवाणु और वायरस को हिंदी में हम बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया से द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया की ट्रिक है, पंडित का टिंकू न्यू है। कौन सी ट्रिक है? पंडित का टिंकू न्यू है। तो देखो, पै का मीन्स होता है प्लेग। कौन सा रोग? प्लेग रोग, ठीक है। और डी का मीन्स होता है डिप्थीरिया। पै का मीन्स होता है प्लेग, डी का मीन्स होता है डिप्थीरिया, और तय का मीन्स होता है तपेदिक। का मीन्स होता है काली खांसी। ओके, ठीक है। और टी का मीन्स होता है टिटनेस। कु का मीन्स होता है कुष्ठ रोग। न्यू का मीन्स होता है न्यूमोनिया। और है का मीन्स होता हैजा। है का मीन्स क्या होता हैजा। देखो दोस्तों, निमोनिया को निमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिया भी बोलते हैं, किसी में निमोनिया शॉर्ट, इसको निमोनिया बोल देते हैं। देखो ट्री का हमारा पंडित का टिंकू न्यू है। पै को हम बोलते हैं प्ले, डी को हम बोलेंगे डिप्थीरिया, तय को लेंगे हम तपेदिक, का को लेंगे हम काली खांसी, टी को लेंगे हम टिटनेस, कु को लेंगे हम कुष्ठ रोग, न्यू को लेंगे हम न्यूमोनिया या निमोनिया, और है को लेंगे हम हैजा। ओके, नेक्स्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। नेक्स्ट, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। वायरस को हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। इसकी ट्रिक है डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी वाले। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी वाले। अब आप सोच रहे हो, सर ये कौन सी ट्रिक आ गई? सबसे बेस्ट ट्रिक है डीआर डॉक्टर। इससे है, डी का मतलब होता है डेंगू। कौन सा फीवर? डेंगू, ठीक है। डी का मतलब होता है डेंगू। एम का मीन्स होता है मिजल्स, MESLES। ओके, एम का मीन्स होता है मिजल्स, और आई का मीन्स होता है इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA। ओके, आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, एस का होता है स्मॉल पॉक्स। एस का क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। एच का होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ओके, देखो एम का होता है मिजल्स, आई का होता है इन्फ्लुएंजा, एस का होता है स्मॉल पॉक्स, एच का होता है हेपेटाइटिस, आर का होता है रेबीज, आर का होता है रेबीज। ओके, ए का होता है एड्स। ए का क्या होता है? एड्स। देखो डी से होता है डेंगू, एम से होता है मिजल्स,
ठीक है। आई से होता है इन्फ्लुएंजा और एस से होता है स्मॉल पॉक्स, एच से होता है हेपेटाइटिस, आर से होता है रेबीज और ए से होता है एड्स। ओके नेक्स्ट, बी से होता है बर्ड फ्लू। बी से क्या होता है? बर्ड फ्लू। बी आई आर डी एफ एल यू ई, बी से बर्ड फ्लू। बी से कौन सा डिजीज होता है? बर्ड फ्लू। ई से होता है एग्जेंथेमस। इसको ये फीवर होता है, एक प्रकार का क्या होता है? फीवर होता है, ये बहुत ही भयंकर होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिर्जात फीवर। बहिर्जात का मतलब था बहुत ही भयंकर बुखार। ओके एस का होता है स्वाइन फ्लू, एस डब्ल्यू आई एन ई एफ एल यू, स्वाइन फ्लू। एस का क्या होता है? स्वाइन फ्लू। टी का होता है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। टी का होता है ट्रेकोमा, ठीक है। एम का होता है मम्पस, एम यू एम पी एस। एम से क्या होता है? मम्पस। और पी से होता है पोलियो, पी ओ एल आई ओ। दोस्तों इसमें जो वायरस है उसके सारे डिजीज आ गए, लगभग सारे डिजीज आ गए। सबसे सोट्रिक है, इससे सोट्रिक दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं इसको, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी वाले। ट्रिक का क्या नाम है? डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी वाले। डीआर का मतलब था डेंगू, एम से होता है मिजल्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से अपना हेपेटाइटिस, आर से रेबीज, ए से एड्स, बी से होता बर्ड फ्लू, ई से एग्जेंथेमस, एस से स्वाइन फ्लू, टी से ट्रेकोमा, एम से मम्पस और पी से पोलियो। ये दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है, उसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू।